हाय एवरीवन, जीना किचन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब एक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैं आज क्या बनाऊंगी आप भी देखते रहिए। और एक बात फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाऊंगी वेनिला स्पॉन्ज केक। वेनिला स्पॉन्ज केक बनाने के लिए मैं यहाँ चार चार अंडा ले आया है। तो अंडा को फोड़ डाला ऑलरेडी। तो देखिए, अभी बनाऊंगी बीटर से मैं फेटूंगी वेनिला स्पॉन्ज केक। देखिए पूरा अंडा का कलर चेंज होने तक तो फेटूंगी। और यहाँ पे डाल दिया है चीनी 100 ग्राम। चीनी दे दिया है, अभी अच्छी तरीके से फेंटना है। जब तक क्या कलर चेंज नहीं हुआ है तब तक फेंटूंगी, क्योंकि हमें स्पॉन्ज केक बनाना है। और दे दिया ऑयल, अभी सारा चीज़ों तो अच्छी तरीके से फेंटना है। अब दे देंगे दूध, फेंटना हो चुकी है। अभी यहाँ दे दूंगी वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस दे दूंगी। हमारा बैटर ऑलरेडी रेडी है, अब दे दूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला जो सोडा वही सोडा। अभी सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से फेंटना है। अब थोड़ी थोड़ी फ्लोर दे के, यानी कि मैदा दे के फेंटना है, एक साथ नहीं डालना है मैदा। हमारा बैटर ऑलरेडी हो चुकी है। अभी यहाँ ले लिया केक मोट, यहाँ पे एक बटर पेपर दे दिया, ऑयल से ग्रीस भी कर लिया है। अभी बैटर को उस तरह से ढाल दिया है मोल्ट में। देखिए यहाँ मैं एक पतीला ले लिया, उसके कटार भी दे दिया। और नमक देने के बाद मैं 10 मिनट हीट कर लिया है। अभी 45 मिनट बेक होने दूंगी। देखिए हमारा केक ऑलरेडी हो चुकी है, कितना बढ़िया सा स्पॉन्जी केक रेडी है। देखिए कितना बढ़िया सा केक रेडी है, मैं लगभग 45 मिनट बेक किया है। देखिए वाओ, बहुत ही बढ़िया बनी है। अभी इसको ठंडा होने दूंगी। देखिए बहुत ही आसानी से निकाल आया है केक। अब बटर पेपर को निकालना है। देखिए कितना इजी तरीके से निकाल आया बटर पेपर। हमारा केक भी बहुत ही स्पॉन्जी होके रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए रखती हूँ, खुदा हाफिज़, बाय।